मैं तो तेरे पीछे हो लिया, मैं तो तेरे पीछे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है 18 तारीख के, जिस दिन मेरे शादी का सालगिरह था, यानी मैरिज एनिवर्सरी उसी दिन का। तो मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, सिर्फ मैंने पूजा पाठ किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे। तो मैंने ना मनाने का मूड नहीं था मेरा मैरिज एनिवर्सरी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जब वो ही नहीं रहेंगे साथ में। तो इसलिए वो बाहर हैं अभी फ़िलहाल, तो इस वजह से मैंने ना बोला कि नहीं मनाएंगे, नहीं मना। लेकिन बच्चों सबका जिद हो गया कि नहीं, हल्का ही मतलब केक वोक आएगा, कटिंग कर लेना मम्मी, ऐसे कुछ करके बच्चे सबका डिमांड पे ये सब थोड़ा सा हुआ। तो केक आया बस, और बाहर से मैंने खाना बच्चे सब के डिमांड पे ही ऑर्डर हुआ है, क्योंकि मैंने ना बोला उन सबसे कि घर पे बना देती हूँ। मैंने मंगा भी लिया था, पनीर मैंने मंगाया था कि मैं बना दूँगी, लेकिन नहीं, मम्मी आज कुछ भी काम नहीं करेगी, इन लोग का ये करना था आज, मम्मी बस बाहर से खाना आएगा सब कोई के लिए। तो केक कटिंग होने के बाद से ना यहाँ शिवांश बहुत मस्ती से अपना केक इंजॉय किया, उसको मतलब ऐसे हाथ से ले लेके वो खाया और एकदम खुश था। तो बच्चे सब के, आप लोगों को पता है ये केक कितना पसंद है और कितने मतलब पसंद से केक खाते हैं, तो पूरा मतलब अच्छे से केक को इंजॉय किया। और बाहर से खाना ऑर्डर हुआ वही हम लोग खाए। और यहाँ पे ना फिर दूसरे दिन का ये है, यानी कि 17 तारीख के शाम की। तो यहाँ पे मैंने ना आप लोग को दिखा रही हूँ, दिया बाती करने के बाद से आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, ये जो माता रानी है ना, ये मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाया था। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बहुत अच्छी लग रही है। और शेर पर सवार थी, और उसके बाद से कपड़ा और जेवर मैंने अलग से ऑर्डर किया, और माता रानी को अलग से, तो दोनों मेरे एक ही साथ आ गया। तो मैंने ना माता रानी को पहना के बैठाया है, बहुत खूबसूरत लग रही है, मतलब बार बार बस उनको देखने के ही मन कर रहा था मुझे। मैंने ना जब से रखा था, सुबह में रखा था, तो दिन में कितने बार जा के मैंने देखा, और मुझे बहुत अच्छा लग रही थी माता रानी, तो आप लोग के भी दर्शन करा दिया। उसके बाद से दिया बाती करने के बाद से ना, जो मैंने कल पनीर मंगा के रखा था, तो उसको मैं बनाऊंगी, पनीर की सब्ज़ी। और जो कल वाला खाना था वो मैं आज बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों सबकी डिमांड पर तो बाहर से आ गया सब कुछ। पनीर राइस आया था, और उसके बाद से ना मोमोज आया था, उसके बाद क्या चाउमीन आया था, बर्गर पिज़्ज़ा आया था, ये सब जो जो बच्चों के खाने का मन था, मैंने बोला कि आप लोग ऑर्डर कर लो, जो खाओगे वो ऑर्डर कर लो, मंगा लो। उनके पापा भी बोले थे कि तुम लोग को जो भी खाने का मन है ऑर्डर करके मंगा लो, तो वो आ गया था घर पे। और उसके बाद से ना यहाँ पे बना रही हूँ मटर पनीर, सिर्फ पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने ना यहाँ पर सारी सब्जियाँ का थोड़ा सा मतलब लहसुन प्याज टमाटर को मैंने ना थोड़ा सा तेल डाल के इसे भून लेती हूँ, पका लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा पक जाता है ना, तो ज़्यादा सब्ज़ी की बनाने में टाइम नहीं लगता है। मैंने इसी तरीके से मटर पनीर या शाही पनीर जो भी होता है मैं बनाती हूँ, तो ये जब तक ठंडा होगा तब तक मैं ना पुलाव बना लूँगी। तो यहाँ पे एक छोटा वाला, एकदम छोटा सा मेरा कुकर है, बहुत मेरे काम की है, तो इसे मैंने ना चढ़ा देती हूँ गैस पर, और इसमें डालूँगी देसी घी, और एकदम थोड़ा सा ही पुलाव बनेगा, क्योंकि पूरी भी बनेगा इतने ही ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग बस 3 से 4 आदमी हैं खाने वाले, तो यहाँ पे डालेंगे तेजपात और कुछ जीरा, साबुत जीरा, उसके बाद से कुछ खड़ा मसाला पुलाव में जो पड़ता है वो, और उसके बाद से थोड़ा सा ये चटकेगा मतलब, तो थोड़ा सा पकेगा तब, थोड़ा सा मैंने ना लौंग इलायची ये सब कुछ खड़े मसाला में मैंने डाला, और थोड़ा सा बासमती राइस था, ज़्यादा भी नहीं था, तो मैंने ये छोटे वाले कुकर में बनाया। और ये और चावल धो के मैंने साइड में रख दिया था 10 मिनट पहले, और उसके बाद से ना यहाँ पे चावल को मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा ना अच्छे से खड़ा वाला मसाला चटक गया था, तो चावल को मैं अच्छे से मतलब इसमें डाल के भून लूँगी हल्का सा, बस 1 से 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और इसके भूनने के बाद से इसमें पानी डाल के सीटी लगाना है, 1 सीटी, बस पुलाव बन के रेडी हो जाएगा। और इस तरीके से ना मुझे बहुत ईजी लगता है बनाना, तो 1 कटोरी से कम ही मेरा चावल था, तो 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी डाला है, और 1 सीटी लगाऊँगी, और यहाँ पे एक थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्या हो ना, बहुत दिन बाद में ब्लॉग अपना डालना शुरू की हूँ, क्योंकि बीच में मैं नहीं थी, गाँव गई थी, ससुराल में थी, वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा इशू रहता था, इस वजह से और वीडियो शूट भी नहीं हो पा रहा था, तो कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी, कम से 10-15 दिन गैप हुआ है।
उसके बाद से ना यहाँ पे पनीर काट, मैं 250 ग्राम पनीर मंगाई थी जिसे काट के रख लेती हूँ, बस इसे फ्राई करना है। मसाला को मैंने पीस के साइड में रख लिया है। मसाला ना जब मैं पीस रही थी तब तक लाइट नहीं था, और आजकल इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना कि लाइट पूरे दिन में बहुत कम आ रहा है, और बीच बीच में बहुत ज़्यादा लाइट कट भी रहा है। तो इस वजह से जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना तब लाइट ही नहीं था, तो थोड़ा सा मसाला भी मेरा मोटा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये प्याज वाला है गल जाएगा। और यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया है, पनीर फ्राई हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा ना देसी मैंने मलाई उतार के रखा था दूध से, उसे थोड़ा सा फेंट के रख लूँगी साइड में, क्योंकि वो भी मुझे डालना है इसमें। और हल्का सा मैंने पनीर को फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, एकदम हल्का सा ही फ्राई किया है। इससे ना पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इस वजह से मैंने हल्का ही फ्राई किया है। उसके बाद से जीरा, कुछ खड़ा मसाला तेजपात मैंने डाला है, और इसको ना जो मसाला था बनाया था प्यूरी, इसे मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब मसाला टाइम लगेगा इसे भूनने में, और ये भून रहा है तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे ना अब मसाला डालना है मुझे, तो हल्दी डाल रहे हैं पहले, सबसे पहले हल्दी डाल रहे हैं, उसके बाद से जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और मतलब जो बेसिक सा मसाला है वो डालेंगे, और गरम मसाला भी मैंने पीस के रखा है वो भी डाल देंगे। और उसके बाद से इसे अच्छे से ना पकाना है मुझे, तो ये अच्छे से पकेगा। उसके बाद से ना कसूरी मेथी भी मुझे इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा किशमिश भी ऐड करना है। तो ये सब कुछ मैं डाल के बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किशमिश वाला सबको पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे पसंद आता है। जब मैं मतलब जब भी खाऊँ ना बीच बीच में वो आता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें किशमिश भी डाला है, और गर्म मसाला यहाँ पर डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसे ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे भूनना है, क्योंकि काजू है इसमें तो बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब इसे मिक्स करना रहता है। उसके बाद से यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने मलाई डाला है अच्छे से फेंट कर, और इसे ना अच्छे से हमको भूनना है। और यहाँ पे देखिए सिवांस बिल्कुल उसके पास है ना मोबाइल ले लिया तो दे ही नहीं रहा था। यहाँ पे देखिए मोबाइल के लिए जिद कर रहा था, मुझे थोड़ा सा शूट करना है क्योंकि आप लोग के दिखाना था, और ये दे ही नहीं रहा था। इसको मोबाइल चाहिए, अब इतना ज़्यादा मोबाइल इसको मतलब वो हो गया है ना कि थोड़े थोड़े देर पर इसको मोबाइल चाहिए। यहाँ पर अच्छे से मतलब ग्रेवी हो गया था, भुन गया था, तो मैंने पानी डाल के इसे और अच्छे से एक बॉयल आने दिया। उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया, और पनीर मतलब सब्जी बन गया था। तब जब खाने की टाइम आया तब मैं पूड़ी बना रही हूँ यहाँ पे, और बस पूड़ी फटाफट बनेगा और सब कोई खाना खाना स्टार्ट कर देगा। हम लोग सब कोई 4 आदमी एक ही साथ में खा लेते हैं, 3 आदमी जैसे बच्चे 2 है और हम हैं, दोनों आदमी एक ही साथ में खा लेते हैं। तो सारा मतलब बना के मैं रख लेती हूँ, उसके बाद से खाया जाता है। यहाँ पर पुलाव बन गया है, पूड़ी बन गया है, और पनीर की सब्जी बन गया है। इसे आप पनीर की सब्जी बोल लो, शाही पनीर बोल लो, मतलब बन के रेडी हो गया, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर बनाना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और यहाँ देखिए बहुत अच्छा राइस भी हो गया था। और सो गाइस, तो अब मिलूँगी मैं अपना अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ नहीं तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा सब्जी के लिए, क्योंकि सब्जी बहुत टेस्टी था। अगर आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। बाय।